तर कर्नाटकात के जी बोपय्या हेच हंगामी अध्यक्ष राहणार आहेत. बोपय्या यांच्या नियुक्तीला स्थगिती आणण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयानं काँग्रेसला झटका दिलाय. बोपय्या हेच हंगामी अध्यक्ष राहतील आणि तेच कर्नाटकामध्ये येडियुरप्पांची बहुमत चाचणी घेतील असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. या बहुमत चाचणीचं थेट प्रक्षेपण करण्यात यावं असे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत. आर व्ही देशपांडे यांची ज्येष्ठता डावलून बोपय्या यांना हंगामी अध्यक्षपदी नियुक्ती करणं हे असंवैधानिक असल्याचा युक्तिवाद काँग्रेसकडून कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात केला. त्यावर बोपय्या यांना आमदारकीची शपथ दिली तर बहुमत चाचणी कोण घेणार असा सवाल न्यायालयानं विचारला. तसंच हंगामी अध्यक्ष न्यायालय कसं काय निवडू शकतं असा प्रश्नही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारलाय. बोपय्या हंगामी अध्यक्ष म्हणून मान्य नसतील तर त्यांना अवधी द्यावा लागेल आणि बहुमत चाचणी पुढे ढकलावी लागेल असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. तर न्यायालयाच्या या गुगलीनं आता काँग्रेस आपल्या जाळ्यात अडकल्याचं बघायला मिळतंय. तर अखेर बहुमत चाचणीचं थेट प्रक्षेपण करण्याचे आदेश दिल्यानं काँग्रेसचं काहीसं समाधान झालंय. हमारी जो चार पांच विभिन्न दरखास्तें थी वो सभी एक ही बात में समाविष्ट हो गई. वो एक बात थी जो हमारी दलीलें सुनकर स्वतः राज्यपाल के वकील श्री मेहता ने जब कह दिया कि हम लाइव फीड करेंगे या लाइव फीड देंगे पूरी प्रक्रिया के विश्वास मत की प्रक्रिया का, तो उससे हमारा पूरा पारदर्शिता का आयाम स्थापित हो गया. इसलिए और किसी प्रेयर को दरखास्त को प्रेस करने की आवश्यकता नहीं थी. फिर भी वीडियोग्राफी वाली जो बात थी वो लाइव फीड से पूर्ण हो जाती है. जहां तक और चीजों का सवाल है वो प्रश्न अब कम उठता है, नहीं उठता है, क्योंकि अगर लाइव फीड सब लोकल चैनल में होगी तो जो है दूध का दूध पानी का पानी आप लोगों के सामने होगा. आदेश के मुताबिक मिस्टर बोपय्या प्रोटेम स्पीकर रहेंगे. उनको हटाने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की थी वो आज नाकाम हो गई. दूसरी उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि उनका सीनियर मोस्ट आदमी बनाया जाए, वो भी रिक्वेस्ट खारिज कर दी गई. और जहां तक वीडियोग्राफी का सवाल है, हमने कोर्ट में खुद कहा कि स्पीकर ने लाइव टेलीकास्ट ऑर्डर किया हुआ है जो अभी 11 बजे से चालू है. ये कोर्ट ने रिकॉर्ड किया और सारे मुद्दे खत्म कर. सबसे बड़ा झटका है ये इनका डेस्परेट अटेम्प्ट था कि किसी ना किसी तरह कुछ और कोर्ट से ले लिया जाए. मुझे लगता है कि ये ट्रस्ट वोट ही कराना नहीं चाहते, इनको डर लग रहा है. फ्री 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.